हरे तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं व्यास श्रीनिवास अफजलपुर आपके समक्ष एक रागनी पेश करता हूं। मेरे नक्कारे पर साथ दे रहे हैं हुकुम सिंह उस्ताद जयदासपुर की ओर से, और मेरे साथ मेरे छोटे भ्राता श्री खुशीराम भाई साहब नुकुंदी नगर से ये ढोलक पर साथ दे रहे हैं। हमारे जो रिकॉर्डिंग करता है सेवक राम स्टूडियो की ओर से, उमरा की ओर से, डिस्ट्रिक्ट संभल की ओर से, मैं आपके समक्ष एक रागनी पेश करने के लिए जा रहा हूं। लिखा है कभी न कि कर्म से ही भाग बनता है, इंसान कर्म से ही राजा बन जाता है और कर्म से ही भिखारी बन जाता है। एक पिता के दो बेटे थे, किस तरह से कर्म अलहदा अलहदा इस रागनी के माध्यम से सुने। वक्त के साथ में हालात बदल जाते हैं, उम्र के साथ में दिलदार बदल जाते हैं, ना बदल सके हम अपनी तकदीर को, बदलने वाले तो तकदीर बदल लेते हैं। वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, वक्त इंसान का अपमान करा देता है। शायद मेरी समझ में तो ऐसा आया कि वक्त पड़ने पर वक्त इंसान की पहचान करा देता है। पल, 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 सुनते हैं रागनी के माध्यम से। फिर कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हो और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, हेर राम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जारे, मेरे एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जारे, तेरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे राम सभी के प्यारे, एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जा रे। क्या लिखा है पैरी कली में रागनी में, एक बेली और फूल है कितने कर्म लेता ले रे, एक बेलियारी फूल है कितने कर्म लेता ले रे, ऋषि मुनि और कवि जनों ने दिए मिसाल भतेरे, कवि जनों ने उठा किसी ने लायर थी पैगेरे, हेरे दानव दह मनुष्य जन चातुर हो, दानव दह मनुष्य जन चातुर कर्म किया गया हारी, एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जारे।
शाबाश भाई मेरे। और क्या लिखा है रागनी ने, कवि ने एक एक लाइन बहुत समझ सोच करके लिखा है। भला भोगता है दुनिया में ये पुतला माचिता तुका, भला भोगता है दुनिया में ये पुतला माचिता तुका, किसी का रास्ता बना पाप का, किसी का रास्ता सती का, किसी का रास्ता। अरे कोई साथ दे सही बात का, साथी कोई गलत का, कोई भोगों का भूखा है, कोई भूखा है इज्जती का, कोई भोगों का भूखा है, शास्त्र धारे एक बाप के दो बेटे के कर्म बना दिए जारे, मेरे एक बाप के दो बेटे के कर्म बना दिए जारे। और क्या लिखा है, एक भाई तो करे फैसला एक करे से चोरी है, उसी पिता के बेटे एक बेटा पंचों में जाकर के फैसला कर रहा है और उसी बाप का बेटा रात को चोरी करता है। एक भाई तो करे फैसला एक करे से चोरी, एक कुजड़ा बना फिर से एक करे से जोरी, एक कुजड़ा बना फिर से एक करे से जोरी, एक धागा पगड़ी वाला हो, एक धागा पगड़ी में लागी, एक पतंग की गोरी, एक ईंट मंदिर में लागी, एक मोती की मोरी, एक ईंट मंदिर में लागी, एक मोती की मोरी। लिखा है उसी भट्टे की ईंट एक मंदिर में लग रही है और उसी भट्टे की ईंट नाली में लग रही है, ये सब कर्म की बात है। तेरे ये पत्थर शिव जी बन पूजता हो, ये पत्थर शिव जी बन पूजता, एक पछुरी पनारे एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जारे, मेरे एक बाप के दो बेटे थे कर्म बना दिए जारे। हाँ साहब, ये गोपाल सिंह यादव और सुरेश प्रधान, सुरेश प्रधान इस रागनी पर खुश होकर के, दोनों भाई ये 50 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दान देते हैं।
हम भैया के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हेरे कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, एक बाप के दो बेटे थे, कर्म बना दिए नारे। और ये दसवें गंगेटा निवासी, ये हमारे भोलेनाथ के पुजारी हैं, गंगेटा के ये मंदिर के महंत, ये दसवें इस रागनी पर खुश होकर के हमारे लिए स्पेशल तौर से रागनी पर खुश होकर के देते हैं। हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और क्या लिखा है लास्ट कली में, हे कहीं पे दरिया मीठे जल का, कहीं समंदर खारी, हे कहीं पे दरिया मीठे जल का, कहीं समंदर खारी, कर्म से कोई राजा बनते, कर्म से बने भिखारी, कर्म से कोई राजा बनता, कर्म से बने भिखारी। और क्या कोई कोई ए, कोई साथ दे सही बात का, साथी कोई गलत का, कोई भोगों का भूखा है, कोई भूखा है बेटे थे, कर्म बना दिए नारे, हे एक बाप के दो बेटे थे, कर्म बना दिए नारे। और ये मनवीर सिंह और धर्मेंद्र सिंह ठेकेदार घरेटा निवासी, ये इस रागनी पर खुश होकर के 50 रुपए स्पेशल तौर से देते हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हेरे कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, एक बाप के दो बेटे थे, कर्म बना दिए नारे, ओ एक बाप के दो बेटे थे, कर्म बना दिए नारे। जय हिंद जय भारत। पुलिस आचे दरबार की जय।